हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी जो आप देख रहे हैं, मैं गाड़ी लेकर धोबाने के लिए आया हूं, जो सोनवर्षा में पड़ता है, बॉर्डर का सटे हुए है। बॉर्डर के जस्ट उस साइड आपका मलंगमा हो गया और इधर सोनवर्षा हो गया। तो मैं गाड़ी साफ करवाने के लिए आया हूँ और बराबर मैं यहाँ पे गाड़ी साफ करवाता हूँ और पूरी के पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखलाऊंगा गाड़ी साफ होने से लेकर पूरे पोछने तक का। पहले जो गाड़ी साफ करते हैं, थोड़ा उनसे कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश शाह। थोड़ा जोर से बोलिए। मुकेश शाह। तो मतलब गाड़ी साफ करने का जो आप काम करते, कितने दिनों से कर रहे हैं? 10 साल से। तो गाइस, ये 10 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं। पहली बार मैं जब आया था 7-8 साल पहले, क्या तो आपका यहाँ पे एक छोटा सा मरैया था, फूस का था, लेकिन अभी थोड़ा यहीं पे सभी लोग रहते हैं, पूरे फैमिली यहीं रहते हैं। आपका घर पर्सनल यहीं हो क्या? नहीं, मेरा घर पड़ता है जनकपुर रोड पुपरी। इनका घर पड़ता है जनकपुर रोड। अगर आप लोगों को गाड़ी साफ करवाना हो तो सोनवर्षा में आ जाइए। इसका एड्रेस बता दीजिए आप। बबलू मास्टर के सामने। ये हो गया बाजार और चौक के बीच में रोड है क्या? आप अगर चौक से आते हैं बाजार की तरफ जी, तो राइट साइड में हो गया। बेहतरीन गाड़ी साफ करते हैं, बहुत अच्छी तरह से। और एक बार यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए अगर इस लोकल एरिया के हैं तो। और मैं आपको पूरी वीडियो दिखलाने वाला हूँ कि कैसे ये गाड़ी साफ करते हैं, शैम्पू भी मारते हैं, सफाई भी जो होता है। सिर्फ यहाँ पे हवा नहीं मारा जाता, अगर पॉलिश भी मराना चाहते हैं गाड़ी पे तो पॉलिश भी मारते हैं क्या? तो देखिए आगे ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए।
अंदर से बाहर तक पूरा हो गया सफाई। तो देखिए इधर अंदर से भी साफ किया गया है पूरा। ये जो जिस समय सफाई हो रही थी मैं उस समय आप लोगों को सिर्फ दिखाया हूँ। इधर पूरा स्पीकर पे थोड़ा सा पानी आ गया है लेकिन ये पूरा का पूरा अभी साफ होने वाला है गाड़ी अंदर से भी और बाहर से। देखिए अंदर में पूरा है, ये कारपेट भी हटाए हुए हैं यहाँ से, बेहतरीन तरह का तौलिया रखे हुए हैं साफ करने के लिए, मतलब एक बूंद भी पानी का नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे ये साफ करने के बाद। देखिए सीट का जो है प्रॉपर तरह से, ये हालांकि सीट का कवर जो है गंदा हो गया है उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, इसका केमिकल आता है साफ करने के लिए। एक मिनट, लॉक हो गया है शायद। ये पूरा एकदम अंदर से भी और बाहर से भी प्रॉपर तरीका से ये पानी मार के शैम्पू, पहले तो दो बार धोते हैं बढ़िया से, उसके बाद शैम्पू से इसको साफ करते हैं और उसके बाद दो बार इस तरह के तौलिया से पोंछते हैं ताकि पानी का एक बूंद भी इस पे न रहे। जितना हो सकता है इनसे उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब ये बॉडी पहुंचने वाला जो इस कार का जो गाड़ी का बॉडी होता है उसको, और इस तौलिया से शीशा को साफ किया जाता है। देखिए और साफ करने के बाद फाइनल लुक दिखलाएंगे आप लोगों को कि गाड़ी किस तरह से चमचमा रही है। ये जो है ऊपर से है, ये सब ऊपर से पहुंचने के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा क्या। गाड़ी में रख रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैट को निकालें तो इसको पानी मारे हैं, उसके बाद सरफ से भी साफ किए हैं, इसको शैम्पू भी मारे हैं और इस तरह से यहाँ देखिए ये है। इस तरह का मैट आप लगा सकते हैं। इस तरह का मैट लगाने से क्या फायदा होता है, कचरा अंदर प्रवेश नहीं करता। हाँ, इसका जो दो लेयर होता है क्या, एक लेयर तो जो पहले का मैट बिछाया है उस तरह का रहता है, तो इसमें दो लेयर होता है। देखिए गाइस, तो इसमें होता है क्या, आप बिना चप्पल के भी इस पे पैर इस तरह से रख सकते हैं, आरामदेह होता है
और इसमें दूसरी बात है कि कचरा भी प्रवेश नहीं कर पाता है, तो यह ठीक होता है गाड़ी के लिए। तो ये देखिए डैशबोर्ड की प्रॉपर तरीके से सफाई हो चुकी है पूरी तरीके से। तो गाइस लास्ट में मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि जिन लोगों को गाड़ी धोवाने की सुविधा नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में तो आके यहाँ पे गाड़ी धोवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।